10 मई 2023 को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उसको लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, उसको देखकर लगता नहीं कि भाजपा यह हार बर्दाश्त कर पाएगी, क्योंकि इतने सारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हो, हरियाणा के हो, यूपी के हो, जहां का भी मुख्यमंत्री भाजपा का है, सबके सब कर्नाटक चुनाव में अपना पूरा जोर लगाए हुए है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबके सब कर्नाटक चुनाव में जान जोखिम में डाले हुए हैं कि किसी तरह से बस कर्नाटक के विधानसभा चुनाव जीत जाए, क्योंकि इन्हीं के आधार पर लोकसभा चुनाव को देखा जाएगा। लेकिन क्या कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एक धर्म विशेष का सहारा लिया जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में स्मृति ईरानी ने हनुमान चालीसा पढ़ी और कहा कि धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं। कर्नाटक में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री रहमान खान के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। स्मृति ईरानी ने अपने संबोधन के दौरान कहा, प्रधानमंत्री पर कुछ दिनों से नहीं बल्कि जब से वो प्रधान सेवक बने हैं तब से उन पर हमले हो रहे हैं। रहमान खान के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा, रहमान खान यही वो व्यक्ति है जिसने कहा था कि सभी मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए ताकि लिंगायत मुख्यमंत्री को हराया जा सके। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, ये रहमान खान नहीं बोल रहे, ये दरअसल कांग्रेस है, कांग्रेस की यही सोच है। उन्होंने कहा कि देश को यह देखना चाहिए कि गांधी खानदान के इशारे पर कांग्रेस की क्या सोच है। ईरानी ने दावा किया है कि रहमान खान गांधी खानदान के इशारे पर यह सब बोल रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा, स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट श्रीनिवास बीवी पर भी आरोप यही लगाए थे और उन्होंने कहा था कि यह जो बदजुबानी है यह श्रीनिवास बीवी की नहीं बल्कि सोनिया गांधी की है। ऐसे ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लगाए थे। आपको बता दें कि रहमान खान के आरक्षण बढ़ाने वाले बयान पर स्मृति ईरानी ने कहा, ये किसके इशारे पर बोला जा रहा है? क्या ये श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी या श्रीमती प्रियंका गांधी के इशारे पर किया जा रहा है? उन्होंने कहा, जब उनकी सरकार आएगी तो आरक्षण बढ़ा देंगे। वैसे संविधान के मुताबिक धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयान पर केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया, पहले वो अपने ट्वीट से हनुमान की स्पेलिंग ठीक कर ले और फिर बताए कि गांधी परिवार को मूर्ति पूजा से परहेज क्यों है। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को निशाने पर लेते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, पद्म पुरस्कार दिलाने के लिए एक बैंकर को 2 करोड़ में अपनी पेंटिंग किसने बेची थी? उन्होंने कहा, वो व्यक्ति पहले यह बताए कि उसने ऐसा किया था कि नहीं किया, क्योंकि जिस बैंकर ने यह बात कही थी उसने खुद इस बात को कबूला है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी रहमान खान के इस बयान पर कड़ी आलोचना जाहिर की है और उन्होंने इस पर गुस्सा जाहिर किया है। आपको बता दें कि रहमान खान ने उस बयान पर आपत्ति जताई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी मतदाताओं से कि जब वोट डालने जाओ तो वहां पर बजरंग बली का नारा जरूर लगा देना, जिससे कि रहमान खान ने कहा था कि इससे मतदाताओं में डर का माहौल पैदा होगा। और ये कहां तक सही है? आपको बता दें दोस्तों, जब से बजरंग दल को कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बैन करने की बात कही है, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंग दल को बजरंग बली घोषित कर दिया है और वह बार बार जय बजरंग बली के नारे से शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जब धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हो या भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हो। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक्य सामने आए हैं, जब कभी शहीद जवानों के नाम पर वोट मांगे गए हो, तो कभी राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे हो, कभी श्री राम के नाम पर वोट मांगे हो, तो अब बजरंग बली के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस यह लगातार आरोप लगाती रही है कि बजरंग दल बजरंग बली नहीं है, बजरंग बली की ऐसी सोच नहीं थी जो दंगाई बजरंग दल के कार्यकर्ता है।
और आपको पता है कि कल जबलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दफ्तर पर हमला किया था और काफी तोड़फोड़ की थी, जिसमें उनकी गुंडागर्दी साफ झलक रही थी। यह कहना था कांग्रेस के नेताओं का, और अब कांग्रेस ने यह कहा कि इनके ऐसे कारनामों की वजह से ही कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करना पड़ रहा है। अब दोस्तों आप सोचिए कि ऐसा क्या कर दिया बजरंग दल ने अब तक जो कांग्रेस बैन करने की बात कह रही है, क्योंकि 1984 से अब तक बजरंग दल की जब से स्थापना हुई अब तक काफी बार ऐसे विवादों के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का नाम जुड़ा है, जिस कारण शायद बजरंग दल की वो छवि नहीं रही जो होनी चाहिए थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंग दल को बजरंग बली घोषित किया तो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया था और कहा था कि बजरंग दल बजरंग बली नहीं है, बजरंग दल एक दंगा करने वाला संगठन है जो भाजपा द्वारा बनाया गया है, क्योंकि बजरंग दल की स्थापना एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही 1984 में की थी। दोस्तों अब इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।